पूरे देश में बिजली की कमी है और देश अभूतपूर्व बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह कोयले की कमी बताई जा रही है, पर सेंट्रल कोल फील्ड्स के प्रमुख का कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। सेंट्रल कोल फील्ड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद का दावा है कि उनके पास 60 लाख टन कोयले का स्टॉक पड़ा हुआ है। वे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बिजली घरों को रोजाना 1,85,000 टन कोयला लंबे समय तक देते रहेंगे, ऐसा उनका दावा है। TCL में मोर देन 6 मिलियन टन स्टॉक्स है, माइंस एंड साइडिंग मिला के, और हमको अप्रैल फर्स्ट वीक में जो टारगेट सेट किया है 1,85,000 टन पर डे हमको पावर प्लांट को भेजना। हमारे साथ लिंक्ड प्लांट्स है, नॉर्थ में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, कुछ बिहार में प्लांट्स है, NTPC का, DVC, तेनुघाट झारखंड का, WPDCL के, इस टाइप का जितना प्लांट्स है हमारा, IPP, कुछ ये प्लांट सब मिला के 1,85,000 करना है। ये जो 29 दिन में अप्रैल में 1,85,000 हम लोगों का एवरेज चल रहा है। थ्रू हम लोग लोडिंग तक का हम लोगों का रिस्पांसिबिलिटी है, तो डे टू डे में जहाँ शॉर्टेज है इसके ऊपर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी मॉनिटर कर एवरी डे देर इज ए IMG ग्रुप मॉर्निंग में, रेलवेज भी मॉनिटर कर रहा है, पावर प्लांट्स भी, पावर मिनिस्ट्री भी मॉनिटर कर रहा है, कोल, पावर एंड रेलवे, तीनों से मॉनिटरिंग हो रहा है। केंद्र सरकार की कंपनी CCL का यह दावा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि NTPC के जिन बिजली घरों से उसे बिजली मिलती है उनमें से कई के पास सिर्फ एक या दो दिन का ही कोयला स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली अभूतपूर्व बिजली संकट की ओर बढ़ रही है और मेट्रो, रेल व अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो कोयला की सप्लाई सुनिश्चित करे ताकि बिजली घरों को कोयले की कमी ना हो। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है, तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनका कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। सर, आपने भी खत में कहा था कि बिजली आपूर्ति में बाधित, मतलब बाधा आ सकती है, मेट्रो, अस्पताल, इन तमाम चीजों को जोड़ा था, तो अभी कितना माने कि अभी बैकअप है या क्या? कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए, जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर एक दिन से भी कम का कोयला बचा है। दादरी और उच्चहार में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग एक दिन का, परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं, उसके अगर 21 दिन का कोयला होना चाहिए, 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 नहीं 7 दिन का तो हो, एक दिन के ऊपर काम नहीं होता है। देखिएगा, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, बिजली जो है, बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है, पावर प्लांट में बिजली बनेगी, दिल्ली के PPAs हैं सबके साथ, आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। अभी कितनी डिमांड है सर और कितना पीक जा सकता है? अभी 6,000 मेगावाट का पीक चल रहा है। नहीं, देखिएगा, वो तो हम देखेंगे कि कहाँ की उसको एडजस्ट करना है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई कोयला भी पहुँचा दें, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू उनको पहुँचा दें, वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है राधर देन कि हम उसकी तैयारी करें। दिल्ली के अंदर हमारा कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है, हाँ ये है कि हरियाणा, UP जो उन्हीं के राज्य हैं वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं, वो अलग हो सकता है, तो उनको ना दें, हम तो दे रहे हैं पैसे। सर, क्या लगता है डिले हुआ इसमें कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि दिल्ली के अलावा राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने भी इस इशू को उठाया है कि केंद्र सरकार स्टॉक्स अवेलेबल नहीं करा पा रही है? मैं पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयला नहीं है, आप चाहे तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जो 21 दिन का होता था 1-1 दिन का बचा है, तो ये तो जो बनाने वाले हैं केंद्र सरकार को ही देखना है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है उनको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे ट्रेनें हैं, रैक जो है 450 होते थे पहले, अब 405 हैं, तो रैक भी 10% कम हो गए हैं, जो कि बढ़ने चाहिए थे घट गए हैं। तो
देखो मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शटडाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है।